दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे यार। तो यार, Xiaomi ने अपने MI 10 लाइनअप में एक और सदस्य को जोड़ दिया है, जिसका नामांकन किया गया है MI 10 अल्ट्रा। तो यार, इस फोन में ऐसा क्या है जो इसको अल्ट्रा कहा जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, इसी फोन के हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ जानकारियां शेयर करने वाला हूँ। क्या सच में ये फोन अल्ट्रा है या फिर बस नाम से इसे अल्ट्रा बोल दिया गया है? यार, एक्चुअल में तो ये फोन सैमसंग के S20 अल्ट्रा और फिर से नोट 20 अल्ट्रा से भी मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। तो चलो यार, सबसे पहले मैं इस फोन के डिस्प्ले के हाइलाइटिंग फीचर के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, इस फोन का जो हाइलाइटिंग फीचर है ना डिस्प्ले में, सबसे पहला तो दोस्तों ये 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, कर्व डिस्प्ले है यार, और इसका डिस्प्ले काफी कमाल का। आप ऐसे समझो, जो डिस्प्ले आप लोग को वन प्लस 8 प्रो में देखने को मिल रहा है ना, कुछ वैसा ही डिस्प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले तो यार अल्ट्रा हो गया, सच में अल्ट्रा है डिस्प्ले। ऐसा तो अभी देख के लग रहा है यार, फोन तो हाथ में नहीं है जो कि मैं आपको सामने से दिखा दूं, अभी चाइना में ही सिर्फ ये लॉन्च हुआ है। तो ये तो हो गई डिस्प्ले की बात। तो डिस्प्ले के बाद क्या आता है? जी हाँ दोस्तों, कैमरा। तो फ्रंट में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलता है जो कि 20 मेगापिक्सल का है, लेकिन फ्रंट कैमरा में वो अल्ट्रा बात नहीं है जो बात बैक कैमरा में है। दोस्तों, बैक कैमरा में दोस्तों आपको काफी कमाल का कैमरा देखने को मिल रहा है यार। DxO रेटिंग के मामले में ये S20, Note 20 अल्ट्रा और Huawei के फोन को भी पीछे छोड़ रहा है। अब जैसा कि देख सकते हो यार, डिस्प्ले पे कैमरा कैसे आधे फोन तक फैल चुका है। तो यार, सबसे ऊपर में जो आपको कैमरा देखने को मिल रहा है वो पेरिस्कोप कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का है और 120x जूम है दोस्तों, यानी कि ये 100x स्पेस जूम को भी पीछे छोड़ रहा है जो सैमसंग में देखने को मिलता है। 120x स्पेस जूम देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में दोस्तों, जूम तो एक मेरे को गिमिक ही लगता है, लेकिन इसके बाद इसका प्राइमरी कैमरा है जो 48 मेगापिक्सल का, और इसका जो सेंसर है ना दोस्तों, 1.9 एपर्चर का है। मतलब यार, सैमसंग के नोट 20 में भी 1.8 है, इसमें आपको 1.9 देखने को मिल रहा है। इसका DxO रेटिंग से आपको पता चल ही रहा होगा यार, कितना कमाल का कैमरा है, फोटो काफी कमाल का क्लिक करता है यार, नो डाउट बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका बैक कैमरा और एक कैमरा दोस्तों 12 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो कैमरा, इसमें भी दोस्तों 2x जूम आपको देखने को मिल जाता है, और उसके साथ 20 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा कैमरा देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड दोस्तों। मतलब कैमरे के मामले में भी ये दोस्तों अल्ट्रा हो चुका है और काफी कमाल का है। और स्टोरेज के बारे में बात करूं तो दोस्तों, आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तीन वेरिएंट में आता है ये फोन, 12GB रैम, 8GB रैम और 16GB रैम। उल्टा पुल्टा हो गया यार, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम, 128GB है, और ऐसे ही दोस्तों 512GB तक ये जाता है 16GB रैम के साथ में। तो यार, ये तो हो गई स्टोरेज की बात, प्रोसेसर के बारे में क्या बात करना, हाइलाइटिंग फीचर इसे नहीं कह सकते क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर है, ये हमें पता ही है। लेकिन उसके बाद जो इसमें हाइलाइटिंग फीचर है ना दोस्तों, इसका चार्जिंग स्पीड। बैटरी तो आप लोगों को 4500mAh कहीं देखने को मिलता है, जो इसका चार्जिंग स्पीड है ना यार, 120W का चार्जर, ओ भाई, मतलब 120W का चार्जर देखने को मिल रहा है, और ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट चार्जर हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, इसका जो वायरलेस चार्जर है वो भी 50W तक को सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जर भी है यार, जो कि फ्लेक्सी फोन में सब कुछ होना चाहिए ना, वो सब कुछ है, साथ ही में एक्स्ट्रा है दोस्तों 120W का चार्जर। कंपनी क्लेम करती है कि ये 5 मिनट में 41% तक को चार्ज कर देगा और 23 मिनट्स में 100% फोन को चार्ज कर देगा, लेकिन यार थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, 25-30 मिनट्स में 50W का फ़ोन भी चार्ज कर देता है तो 120W का क्या फ़ायदा? मे भी दोस्तों बाद में स्लो हो जाता होगा, लेकिन 120W का इन द बॉक्स आपको चार्जर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का लगा यार। ये तो इस फ़ोन की हाइलाइटिंग फीचर्स हो गई। तो यार, इसका प्राइस मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यार, चाइनीज प्राइसिंग से मैं इसे इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट किया हूँ तो 53-54K प्राइसिंग आती है यार, बेस वेरिएंट की 8GB रैम, 128GB वाला। मतलब यार, आधे प्राइस में, मतलब सैमसंग के दोनों अल्ट्रा फोन को ले लूँ, S20 अल्ट्रा, नोट 20 अल्ट्रा, यार आधे प्राइस पे ये फ़ोन हमें मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा स्पेक्स के साथ में। सच में यार, जैसा नाम वैसा काम कर रही है,
शायोमी, लेकिन यार मेरे को कुछ कमी इस फोन में देखने को मिली। जैसे कि इतना महंगा फोन होते हुए भी इसमें आपको कोई भी IP68 वाटरप्रूफिंग या डस्ट प्रूफिंग देखने को नहीं मिलता है यार, तो ये मेरे को कमी लगी। बस दोस्तों इतना ही था, लेकिन एक कमी है दोस्तों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भर भर के फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं फोन में। फोन का डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का लग रहा है यार। तो वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आपको क्या लगता है Xiaomi Mi 10 अल्ट्रा जो कि Mi 10 सीरीज का नया सदस्य है, क्या कमाल कर पाएगा? वैसे दोस्तों कमाल तो काफी किया है Xiaomi ने फीचर्स के मामले में इस फोन में। आपकी क्या राय है दोस्तों इस फोन के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आप क्या लगता है इंडिया में फोन आएगा या नहीं? मेरे को तो नहीं लगता है कि इंडिया में फोन आएगा Mi 10 के फेल्यूर के बाद में। आपका जो भी राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख देना, और हां दोस्तों आपका सवाल है इस चैनल से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे, जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा मैंने को वीडियो अपलोड किया। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित मदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।